गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जो कि अपनी बुक से नहीं था, ओरली था। मैंने आपको करने के लिए कहा था, आई होप आप सब ने किया होगा। नाउ फटाफट मैच कर लेते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइंड द एकाधिकेन ऑफ 13। 13 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो 13 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जब हमें नहीं कहता है तो हम किसको ये कंसिडर करके चलते हैं? यूनिट डिजिट को कंसिडर करके चलते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा 14 के। सिमिलरली 12 का क्या हो जाएगा? 12 सॉरी एकाधिकेन कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पे एकाधिकेन हम यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? 13। नाउ 69 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 6 और 9 के ऊपर एकाधिकेन, दिस वैल्यू, और 9 को एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? 10। तो 10 का तो 0 आएगा और कैरी किस पे जाएगा? इस पे। और ये क्या हो जाएगा? 70। 59 भी है तो 59 देखो, 59 का क्या हो जाएगा हमारा? 59 तो 9 पे एकाधिकेन और यहाँ से हो जाएगा ये, फिर वही 9 और 1 10। 10 का तो यहाँ पे 0 आएगा, कैरी इस पे जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 6। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट का आंसर। नाउ मैच कर लो। अगर आपने टेबल बनाई है तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा एकाधिकेन है और ये हमारा वैल्यू ऑफ एकाधिकेन है। ठीक है, तो मैच कर लेना टेबल भी, चाहे मैच करा लेना चाहे इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब एक न्यू नेन फाइंड करना है हमें, तो जब एक न्यू नेन गए तो भी किस पे लगाते हैं? यूनिट डिजिट पे ही लगाते हैं। ना स्टूडेंट, पहला कौन है हमारा? 10 है। 10 का एक न्यू नेन किस पे लगेगा? इस पर। और 0, 10 में से एक कम करेंगे क्या आएगा? 9। ना नेक्स्ट 15 है, 15 का क्या हो जाएगा? इस पे न्यू नेन लगेगा, नीचे की ओर लगा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट? 14। ना नेक्स्ट 8 है, सिंगल है तो 8 के नीचे लगेगा, ये कितना हो जाएगा? 7। ना 2 है और 2 के नीचे लगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, सो दिस इज योर 1। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट एकाधिकेन, पूर्वेन को देखते हैं। हटा दूं मैं ये भी, आई होप आप सबने किया होगा, सबका सही होगा। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, एकाधिकेन पूर्वेन। चलो 36 का देखते हैं। 36 में यूनिट कौन है? 6। इसके पूर्वेन पहले कौन आ रहा है? 3। ये क्या हो जाएगा 36 का एकाधिकेन और ये हो जाएगा 46। सिमिलरली 49 का एकाधिकेन है हमारा, तो ये कहाँ पे आएगा? इस पे आएगा और ये हो जाएगा हमारा 59। नाउ 99 है स्टूडेंट्स, 99 में तो कहाँ आएगा? 9 पे आएगा, इस 9 पे, और ये क्या हो जाएगा? 9, 10 और ये 9, ऐसे के ऐसा ही रहेगा। लास्ट 15 है आपका, 15 का क्या हो जाएगा? इस पे आएगा और ये हो जाएगा हमारा 25। देखो एकाधिकेन पूर्वेन, तो हम पूर्वेन वाले पे, पहले वाले पे ही कर रहे हैं सबके पे। इसमें आ जाओ, इसको देख लो, यहीं पे न्यू नेन का पहले 382 है। देखो 382, एक न्यू नेन करना है इसका। यूनिट डिजिट 2 है, 2 के बगल वाला कौन है? 8। ये हो जाएगा 382 और इसका एक न्यू नेन किया तो ये हो जाएगा 372। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? 400। देखो मैंने कहा था ये अच्छा है, क्यों अच्छा है आप देखना। आप 400 तो 400 है, इसमें एक न्यू नेन कहाँ लेगा? या इस पे। अब ये तो 0 है तो ये क्या करेगा? बगल वाले से एक लेगा, तो इसके लिए क्या बनेगा? 10। तो ये तो अपनी जगह 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3, क्योंकि इसने इसको एक कैरी दी है कम करने के लिए। नौ 369, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 369 में यूनिट डिजिट कौन है? ये, इसके इधर वाले पे लगाओ डॉट, कितना हो जाएगा? अब ये कम कर लो 359, जिस पे डॉट लगाया मैं उसको एक कम करके चलना है। नौ नेक्स्ट 12 का तो ईजी है, तो ये हो जाएगा इस पे और ये हो जाएगा 02। ओके, नाउ लास्ट स्टूडेंट्स
कॉम्प्लीमेंट्री, सेवन का कौन हो जाएगा, सेवन का हो जाएगा थ्री, टेन, टू का कितना हो जाएगा एट, टेन, नाइन का कितना हो जाएगा वन, टेन, और नाइन एकाधिक एन का क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि नाइन और एकाधिक एन ऑलरेडी टेन हो चुका है ये, तो इसका क्या होगा ज़ीरो और यहाँ पे क्या जाएगा टेन। ओके, ये आपका होमवर्क था स्टूडेंट्स। नाउ चलो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जो सब्ट्रैक्शन है हमारा, एक बार मैच कर लो इसको फटाफट, हटाते हैं, सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन सीखना है हमें, कह रहा है सब्ट्रैक्शन यूजिंग एक न्यूनेन पूर्वेन एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। क्या है एक न्यूनेन पूर्वेन, टॉपिक जो है देखो सब्ट्रैक्शन यूजिंग एक न्यूनेन पूर्वेन एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल लेते हैं आपका फाइव, एग्जांपल फाइव है, क्या है आपका 753 सॉल्व, 753 सब्ट्रैक्ट करना है 584। नाउ कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन हम सभी जानते हैं, 753 माइनस 584। अब देखो स्टूडेंट जब सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं, ये हमारा कॉलम वन हो गया, ये हमारा कॉलम टू हो गया, और ये हो गया हमारा कॉलम थ्री, ये कैरी नहीं है, किसको शो कर रहे हैं कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री को शो कर रहे हैं। तो देखो जो हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं, अब यहाँ पे देखना जब हम सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं, अगर अपर डिजिट लोअर डिजिट से बड़ा है ग्रेटर है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम वहाँ आती है सॉरी प्रॉब्लम हमको वहाँ आती है जहाँ हमारा अपर डिजिट लोअर होता है और लोअर डिजिट क्या होता है ग्रेटर होता है। जैसे यहाँ पे अब थ्री में से फोर सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो इसको इधर से यूज करेंगे हम, पहले ये फिर ये, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, थ्री फोर से स्मॉल है तो ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे फोर का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट इसमें ऐड करो। फोर का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कौन होगा सिक्स, फोर और सिक्स टेन होगा ना, तो फोर का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है सिक्स, तो सिक्स को थ्री में ऐड करो नाइन। अब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को तो यूज कर लिया, अब एक न्यूनेन किसको पूर्वेन, तो एक न्यूनेन पूर्वेन इसके जिसमें ऐड कर रहे हो उसके पूर्वेन को एक न्यूनेन करो, ये कर दिया हमने। तो क्या अब ये मेरा पूरा मेथड यूज हो गया क्या, ये देखो सिक्स का कॉम्प्लीमेंट्री इसमें ऐड किया मैंने नाइन आ गया, और ये इसका फाइव को एक क्या कर दिया कम कर दिया। फिर से सुनो, ये हम तभी करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री कब यूज करेंगे जब हमारा अपर डिजिट लोअर डिजिट से क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। फिर से सुनो, जब हमारा अपर डिजिट लोअर डिजिट से स्मॉल होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे, किसका लोअर डिजिट का। तो फोर का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है सिक्स, सिक्स को थ्री से ऐड किया कितना आया आंसर नाइन, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री लोगे बेटा तो आपको पूर्वेन वाले को क्या करना होगा एक न्यूनेन एक कम करना होगा, तो मैंने पूर्वेन वाले को एक क्या कर दिया न्यून कर दिया। इसका हिंट भी लिखते चलना है वैदिक मैथ में हिंट, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या दिखी थी जो थ्री है लेस देन फोर है सो हम क्या करेंगे थ्री में ऐड करेंगे किसको सिक्स को, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री या परम मित्रा लिखो आप, तो है ना परम मित्रा डिजिट किसका है ऑफ फोर, और कितना आया नाइन।
है ना, और कितना आ गया आंसर 9। नाउ सेकेंड में एंड और क्या किया था इसके बाद, फिर सेकेंड में, चलो पहले वाले का बता दिया आपने। नाउ सेकेंड में देखो ये क्या है, 5 है क्या? नहीं, ये क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। क्या है स्टूडेंट्स? 4 है। 4 है मीन्स 8 से स्मॉल है, तो सेकेंड में हमें दिख रहा है 5 डॉट इज लेस देन 8। सो क्या हो जाएगा, 5 डॉट में हमें किसे ऐड करेंगे? 8 है, तो 8 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है बोलो? 2। वेरी गुड, 2 कौन है ये? परम मित्र, परम मित्र डिजिट ऑफ 8। और दोनों ऐड करने पे कितना आएगा स्टूडेंट्स? ये देखो 5 नहीं है, ये क्या एक्चुअल में 4 है। 4 और 2 कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। फिर कॉम्प्लीमेंट्री यूज करी, फिर परम मित्र यूज किया, तो एक न्यूनेन करो किसको? पूर्वेन वाले को, पहले वाले को, ये क्या हो गया हमारा 7। नाउ थर्ड स्टेप देखो, ये कितना है 7? नहीं, ये कितना है 6, क्योंकि ये डॉट नीचे लगा है, तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये सर हो जाएगा, है ना, तो सिंपल कर लो, तो 7 डॉट इज ग्रेटर देन 5, सो क्या हो जाएगा 7 डॉट माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। बोलो समझ में आया? ये कौन सा मेथड था हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट एंड एक न्यूनेन पूर्वेन मेथड। बोलो समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ चलो कर लो। नोट डाउन कर लो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ स्टूडेंट। इनको आप चाहो तो नंबर भी दिखा सकते हो, जैसे 5 डॉट है तो इसको आप 4 दिखा सकते हो, या आप ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से सुनो, अगर अपर डिजिट ग्रेटर है और लोअर डिजिट स्मॉलर है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1, पर 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तब हमारा आएगा ये मेथड। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले देखो, हमने यहाँ चेक किया 3 इज लेस देन 4, सो 3 में 4 के कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड किया, कितना होता है 6, या परम मित्रा को ऐड किया कितना होता है 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। जैसे ही परम मित्रा को ऐड किया, अगले वाले को, उसके आगे वाले को क्या करो, एक न्यून कर दो, एक लेस कर दो, तो हमने एक लेस कर दिया और ये क्या हो गया हमारा 4। फिर सेकेंड वाले को जब करने चले, सेकेंड को, तो ये 5 बार और, मैं यहाँ लिख सकता हूँ और 4 इज लेस देन 8, ये लिख सकता हूँ क्या, 4 इज लेस देन 8। तो जब 4 इज लेस देन 8 है स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, तो फिर आपने कहा कि सर फिर से परम मित्रा लो, किसका 8 का, 8 के परम मित्रा को किस में ऐड करना है, ऊपर वाले में, तो हमने 8 के परम मित्रा को ऐड कर दिया किस में, ऊपर वाले में, तो 4 में से 2 ऐड किया कितना आया 6। अब हमने परम मित्रा लिया था, इस वजह से फिर आगे वाले को एक कम किया, अगर परम मित्रा नहीं लेते तो कम नहीं करते, ठीक है, लिया है इसलिए कम कर रहे हैं, तो हमने इसको एक क्या किया, लेस कर लिया। अब ये क्या हो गया हमारा 7 डॉट, और हम कह सकते हैं इसको 6 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं और 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, दोनों बात सेम है, और इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया 169। ठीक है, दिस इज योर वैदिक मैथ। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6, हटा रहा हूं मैं इसको, नोट कर लिया। इसमें हिंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ज्यादा लेंदी लिखना भी नहीं, देखो बुक में देखे तो थोड़ा बड़ा है, हमें उतना बड़ा नहीं लिखना, हमें इसे शॉर्ट में ही लिख देना है बस। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, जो आपको डू योर सेल्फ, एक काम करो स्क्रीन को पॉज करो और थोड़ी देर आप करो इसको, जब से मैं नोट डाउन करता हूँ आप स्क्रीन को पॉज करके करो एग्जाम्पल नंबर 6।
करें। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फिर से हिंट देखो, पहला 3 is less than 5, तो हम क्या करेंगे, 5 के कॉम्प्लीमेंट्री को किस में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 3 plus 5, 5 को कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, 5 itself, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 5 और परम मित्रा ऑफ 5, 3 और 5 मिलके कितना आएगा आंसर, 8। यहाँ पे 8 आ गया। अब आपने कहा कि सर आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिया है, इस वजह से आपको आगे वाले को एक न्यून करना पड़ेगा, तो मैंने ये बिफोर वाले को एक न्यून कर दिया और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, 8 dot means 7 is less than 9, 7 9 से greater होता है या less होता है, less 9, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 is less than 9। Now अब 7 में 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 9 के कॉम्प्लीमेंट्री को 7 में ऐड करेंगे। तो ये देखो मैं 7 में ऐड कर रहा हूँ, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना बोलो, 1, वेरी गुड। तो 1 क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 9, तो 7 और 1 कितना है स्टूडेंट्स, 8। यहाँ पे कितना आ गया, 8। नाउ 8 आया, आपने कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया था, इट मीन्स आगे वाला फिर कम होगा। तो थर्ड स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, 9 dot is greater than 4, 4 से बड़ा होता है ना, और मैं ये कह सकता हूँ 8 हो जाएगा, ये 8 is greater than 4, सो 8 minus 4 विच इज़ योर 4, सो दिस इज़ योर आंसर इज 4 4 8 8। ईजी है ना स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, आप इसको ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो अगर नहीं किया तो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन है, हिंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर से समझाऊं, चलिए एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, किसको, इसे मैच करना है। तो हमने देखा कि हमारा जो 3 है, 3 is less than 5, तो जैसे 3 is less than 5 हुआ तो हमने क्या करा, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री लिया। कॉम्प्लीमेंट्री या परम डिजिट कौन होता है, जो उस नंबर में ऐड करने पे उसको क्या बना दे, 10 बना दे। तो 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 5 कौन होगा, 5 होगा। तो 5 और 3 को ऐड किया कितना आया, 8। बेटा जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिया तो ये नियम कहता है कि पूर्वेन वाले को क्या करो, एक न्यून करो। तो मैंने पूर्वेन वाले को एक न्यून किया और 8 को क्या कर दिया, 8 डॉट कर दिया। तो 8 डॉट अब ये हमारा एक्चुअल में क्या बन चुका है, 7। अब आप ही बताओ 7 जो होता है वो 9 से लेस होता है, वो ग्रेटर होता है। तो आपने कहा सर 7 is less than 9, और मैं इसको 7 ही दिखा दिया। तो जब 7 is less than 9 तो हम फिर क्या करेंगे, हम 9 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे, है ना। 9 का कॉम्प्लीमेंट्री लेके किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो 7 और 1 ऐड किया कितना आया, 8। 8 आ गया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो फिर आगे वाले को एक कम किया, तो ये 9 dot is less than 4 और 8 is less than 4, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। ऊपर वाला देखो अब बड़ा है और नीचे वाला क्या है, स्मॉल है। तो 8 minus 4 ये क्या आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 7, हटा रहा हूँ मैं इसे। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, कह रहा है सॉल्व, किसको सॉल्व करना है, 8185 minus 2496, ओके लिखो इसको इस तरह से, हम इसको लिखेंगे 8185 minus 2496, यही है क्या, यही है, ठीक है। हिंट शुरू करते हैं हम, पहला मैच कराते हैं, 5 इससे लेस है और ग्रेटर है, तो 5 is less than 6, सो आपने कहा सर कि 6 के कॉम्प्लीमेंट्री को 5 में ऐड करो, तो जो 5 है इसमें किसको ऐड करना है, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 4, कौन है ये, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 6, और ये कितना आएगा, 5 और 4 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 9।
और आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिया था तो आपने कहा सर, फिर आगे वाले को न्यून करो, ये लो बेटा न्यून कर दिया। नॉट सेकेंड, अब क्या दिखा मैं, सेकेंड दिखा कि जो ए डॉट इज लेस देन नाइन, भाई ए डॉट मीन्स सेवन, सेवन नाइन से कम होता है मीन्स, और हम इसको लिख सकते हैं सेवन इज लेस देन नाइन। सो सेवन में किसको ऐड करेंगे हम, सेवन में हम नाइन के कॉम्प्लीमेंट्री को, कौन होता है वन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नाइन, कितना आएगा सेवन और वन एट, ओके कितना आया एट। नाउ स्टूडेंट फिर कॉम्प्लीमेंट्री लिया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो आगे वाले को एक लेस करो, तो अब थर्ड वाले में देखो, आगे वाला जब लेस किया तो ये वन डॉट या कह लो जीरो इज लेस देन फोर, और जीरो इज लेस देन फोर, तो जब लेस देन फोर है तो फिर कहोगे सर फोर की कॉम्प्लीमेंट्री को इसमें ऐड करो, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस फोर को कॉम्प्लीमेंट्री सिक्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फोर, और कितना आएगा जीरो और सिक्स सिक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट सिक्स, इस वाले को तो फिल ही नहीं किया, यहाँ आ गया एट और यहाँ आ गया सिक्स। जैसे ही सिक्स आया आपने फिर कहा सर आपने तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया इट मीन्स फिर से आगे वाले को एक कम करो, बेटा कर दिया हमने कम। नाउ फोर्थ स्टेप में आपने देखा ए डॉट मीन्स सेवन लेस होता है ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है किससे टू से, और सेवन इज ग्रेटर देन टू, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सेवन में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा फाइव, तो सेवन में से टू गए फाइव, दिस इज योर आंसर, वेरी इजी स्टूडेंट, बहुत इजी है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो एक बार, बुक में देखो थोड़ा लेंथी लिख दिया है ठीक है, बट हमें उसको ध्यान नहीं देना है, चलो स्क्रीन को रोको और ये वाला करो आप खुद से, एक दो मिनट रोक के करो फिर हम कराते हैं, मैं जब से लिख देता हूँ। ओके कर लिया होगा, तो कर लिया स्टूडेंट्स, तो चलो मैच कराते हैं और यहाँ पे हम अपना हिंट लिखते हैं। देखो सबसे पहले ही पहला वन इज लेस देन फोर, हम हिंट में उसको क्या बताएंगे कि भैया जो वन है इज लेस देन फोर है, सो हम क्या करेंगे वन में ऐड करेंगे किसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फोर, फोर का कॉम्प्लीमेंट्री सिक्स, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फोर कितना आया स्टूडेंट सिक्स और वन सेवन, ये कितना आ जाएगा आपका सेवन। आपने कहा सर कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया मीन्स आगे वाले को एक न्यूनेन करना है, पूर्वेन मतलब पहले वाले को एक न्यूनेन करना है, तो हमने ये क्या किया इसको एक न्यूनेन किया। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन जब हमने देखा टू डॉट मीन्स वन न्यून, टू को एक न्यून करेंगे कितना आएगा वन, वन इज लेस देन फाइव और मोर देन फाइव, लेस देन फाइव, तो ये क्या है हमारा लेस देन फाइव, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन इज लेस देन फाइव, सो क्या हो जाएगा हमारा अब वन में हमें ऐड करना है किसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फाइव, और वो कौन होता है फाइव कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फाइव कितना आएगा सिक्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा सिक्स। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ किया फिर आगे वाले को एक कम करो, और फिर हमने आगे वाले को एक कम किया और ये क्या हो गया आपका थ्री बार, थर्ड वाले में देखो थ्री डॉट मीन्स टू, थ्री डॉट क्या है टू इज लेस देन सिक्स और टू इज लेस देन सिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सो टू में हमें ऐड करना है किसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिक्स कितना है फोर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिक्स कितना आएगा टू और फोर मिलके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका सिक्स, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा
सिक्स। नौ आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिया था आगे वाले को, फिर कम करो, कम कर दिया। और फोर्थ ऑप्शन हमें ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, देखो फोर्थ वाला कि सर एट डॉट इज ग्रेटर देन सेवन, और ये कह सकते हो इक्वल्स टू सेवन, और सेवन इक्वल्स टू सेवन, तो सेवन में से सेवन का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, जीरो। सो दिस इज योर जीरो। सो आंसर इज 667। आई होप आप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ आपका होमवर्क, होमवर्क है आपका, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 4.1। बहुत इजी है एक्सरसाइज 4.1 इन प्रैक्टिस कॉपी एंड चैप्टर 3 इन HW कॉपी, ये भी आपको करना है, ठीक है। जैसे ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके होमवर्क चेक किए जाएंगे। वेरी इजी है स्टूडेंट्स। तो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 को आपको हिंट के साथ करना है। देखो 3 तो एकदम 2 डिजिट्स के हैं, फिर उसके बाद 3 क्या कहते हैं 3 डिजिट्स के हैं, बस ये 7, 8, 9, 10 4 डिजिट्स के हो गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक दो दो स्टेप्स बनेंगे आगे वालों के, तो वो आप करोगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे। थैंक यू।